अक्सर आपने नदियों के आसपास और सड़कों पर कई सारे पत्थर और कंकड़ देखे होंगे, पर क्या कभी सोचा है कि क्या हो अगर ये पत्थर और कंकड़ आपसे बातें करने लगे और इन पत्थरों को आपस में बात करवाते हैं। महाराष्ट्र के परभणी जिले के बजूर गांव के रहने वाले 33 साल के प्रल्हाद भगवान राव पवार। प्रल्हाद पेबल आर्टिस्ट हैं और वो अपनी कला के जरिए लोगों तक सामाजिक संदेश पहुंचाते हैं। तो पहले देखिए उनकी इन कलाकृतियों की एक झलक। तो देखा आपने कैसे प्रल्हाद के आर्ट वर्क आपस में बातें करते हैं और कहानी बयां करते हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत लड़कियों को पढ़ाते हुए दिखाया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 अभियान के तहत फेस मास्क में एक महिला को सड़क पर झाड़ू लगाते हुए दिखाया गया है और कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एक महिला को मास्क पहने वॉश बेसिन में हाथ धोते हुए दिखाया गया है। ऐसे ही प्रल्हाद के पास 100 से ज्यादा कलाकृतियां हैं। प्रल्हाद इन कृतियों को बनाने के लिए गोदावरी नदी, बोरी नदी, बेतवा नदी समेत कई नदियों से पत्थर इकट्ठा करते हैं। हर आर्ट की थीम के हिसाब से सबसे पहले वो उसी आकार के पत्थरों को खोजते हैं, फिर उसे तैयार कर 9x12 के साइज में फ्रेम करते हैं। उनके एक आर्ट वर्क की कीमत 1000 से 1500 रुपए के बीच होती है। साल 2020 में प्रल्हाद ने सृष्टि पेबल आर्ट के नाम से अपने स्टार्टअप की शुरुआत की थी। अपने आर्ट वर्क की मार्केटिंग वो व्हाट्सएप के जरिए करते हैं। उनके इस आर्ट की सराहना कई लोग कर चुके हैं। इस साल भोपाल में लगे हुनर हाट में भी प्रल्हाद ने अपनी कला का प्रदर्शन किया था, जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी प्रल्हाद की कलाकृति की सराहना की थी। पेबल आर्ट एक अनोखी कला है, ये दिखने में जितनी आसान लगती है बनाने में उतनी ही मुश्किल। प्रल्हाद जल्द ही अपनी एक आर्ट गैलरी खोलना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनके इस पेबल आर्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहचान मिले। उन्हें उम्मीद है कि सरकार आगे आएगी और परभणी जैसे जगहों की छिपी सुंदरता को दिखाने में उनके जैसे कलाकारों की मदद करेगी। तो ऐसे ही और भी कहानियों के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।